मैं आज की वार्ता प्रारंभ करता हूं सबसे वरिष्ठ हिंदी के योद्धा श्री हरिहर झासी से। हरिहर झाजी, आप अपना विचार दें कि आखिरकार ऑस्ट्रेलिया में हिंदी का भविष्य है क्या, ऐसी स्थिति में जब खुद माँ बाप अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तब हिंदी का स्थान कहाँ आता है? आप अपने विचार दें। ऑस्ट्रेलिया में मुझे हिंदी का भविष्य अच्छा दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है कि हम बच्चों को हिंदी के लिए प्रोत्साहन दे सकते हैं। और प्रोत्साहन देने में एक चीज ये है कि यहाँ पर हिंदी सब्जेक्ट वीसी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बड़ा मार्क्स स्कोरिंग है, और ये मार्क्स गिने जाते हैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। तो बच्चों को एनकरेज करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पर कि हम बच्चों को एनकरेज करें कि वो हिंदी सब्जेक्ट लें, वो मार्क्स स्कोरिंग है तो वो आगे उनको यूनिवर्सिटी में उनको मन चाहा सब्जेक्ट मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम बच्चों को एनकरेज करके हम हिंदी को ऑस्ट्रेलिया में प्रोत्साहन दे सकते हैं। बच्चों को ये बताना चाहिए कि हमें उनके दादा दादी माँ बाप उनसे सबसे बात करना बहुत ही जरूरी है, और ये बात करने के लिए उनको हिंदी और मातृभाषा सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कम्युनिकेशन इसलिए जरूरी है कि उनसे हमें संस्कार मिलते हैं, ये बात हमें बच्चों को बताना पड़ेगा। इसके अलावा बच्चे बहुत चाहते हैं कि उनका एंटरटेनमेंट जो हिंदी सिनेमा और गीत से हो, तो ये भी एक अच्छी बात है कि उनको हिंदी सिनेमा वगैरह सीखने के लिए। तो इस प्रकार से जब हम बच्चों को एनकरेज करेंगे, और हमारी साहित्य संध्या में भी एक बहुत अच्छी बात हो रही है कि हम कितने सालों तक जो है बुजुर्ग लोग ही किया करते थे सब कुछ, लेकिन अब एक अच्छी स्थिति आ गई है कि यंग लोग, यंग जनरेशन जो है वो बराबर साहित्य संध्या में इंटरेस्ट ले रही है। तो सारांश ये है कि हम बच्चों को एनकरेज करके भी हम ऑस्ट्रेलिया में हिंदी का अच्छा भविष्य बना सकते हैं। बहुत बहुत आपने ठीक कहा हरिहर झा जी, पर मेरा प्रश्न मैं दूसरा पूछूंगा, प्रश्न अरविंद गेंदर जी से। अरविंद गेंदर जी, ऐसी स्थिति में जब माँ बाप भारतीयों के खुद अंग्रेजी सीखना चाहते हैं और वो बच्चों को जो है प्राथमिकता नहीं देते हैं, वो जो झा जी ने बात कही है कि वो जाकर अपने माँ बापों से, अपने बुजुर्गों से बात कर सकें बच्चे, तो क्या इस मामले में माँ बापों की जिम्मेदारी नहीं है? तो मैं तो ये चाहूंगा कि हिंदी पहले बच्चों को पढ़ाई जाए कि पहले बुजुर्गों को पढ़ाई जाए जो ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं? आपका क्या विचार है? बहुत अच्छा प्रश्न है, और मेरे विचार से जैसे हरिहर झा साहब ने कहा कि हिंदी का भविष्य अच्छा है, मैं मानता हूं कि भविष्य बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें अभी भी बहुत कुछ किया जाना जरूरी है। जैसे वीसी में झा साहब ने बताया कि वीसी में एक सब्जेक्ट है, इसकी वजह से लोग काफ़ी हिंदी पढ़ते हैं, लेकिन अगर सिर्फ हम एक वीसी सब्जेक्ट होने की वजह से हिंदी पढ़ें वो पर्याप्त नहीं है। हमें हिंदी से प्रेम है इसलिए हम हिंदी पढ़ें, तो उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। मुझे याद है जब हम हिंदी पढ़ते थे 11वीं या 12वीं में, हमने कबीर दास को पढ़ा, सूरदास को पढ़ा, और बहुत सारे बड़े बड़े कवियों को पढ़ा, अच्छा लगता था पढ़ के, और ये भी लगता था कि बहुत महान कवि हैं। लेकिन अब जब हम उनकी रचनाओं को दोबारा सुनते हैं और उसके अर्थ को समझते हैं, तो हमें लगता है कि उस टाइम जो हमने समझा था वो पर्याप्त नहीं था। उस टाइम हमने जब पढ़ा तो हम एक अच्छे मार्क्स लाने के नियत से पढ़ते थे, उसमें हो सकता है कुछ बात हम रट लेते थे, तो अब जब हम सुनते हैं और समझते हैं तो हमें लगता है वाकई कितने बड़े बड़े हमारी धरोहर है, इतने बड़े बड़े कवि हमारे देश में हुए हैं। तो जहाँ तक बात है कि हम उसको माँ बाप को पहले समझाएं या बच्चों को समझाएं, तो जो छोटे बच्चे होते हैं, जो तीसरी चौथी क्लास के बच्चे होते हैं, उनका सबसे ज़्यादा प्रभाव माँ बाप का ही पड़ता है। अगर माँ बाप हिंदी में रुचि ले रहे हैं तो बच्चे यकीनन हिंदी में रुचि लेंगे, और उसके लिए ये जितने भी हमारे संगठन हैं, जैसे साहित्य संध्या है, हिंदी शिक्षा संघ है, या हिंदी निकेतन है, वो समय समय पर प्रयास करता है। तो मेरे विचार से इसमें हमें और प्रयास तेज करने चाहिए। और आपने अरविंद जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर यही है कि प्रयास करने वाली बात, तो मतलब बात ये हुई कि सबसे पहले तो पेरेंट्स को शिक्षा ये मिलनी चाहिए कि हिंदी का महत्व क्या है। और मैं इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं सुमन जी से प्रश्न करना चाहूंगा कि सुमन जी, आप भी परिवार में बच्चों से घिरी रहती है,
तो आप अपना एक्सपीरियंस बताइए कि कैसे हम माँ बापों, मान लीजिए कि साहित्य, आप साहित्य संध्या से भी जुड़ी हैं और आप हिंदी खुद कविताएं लिखती हैं, अब आप मुझे ये बताइए कि आप कैसे कन्विंस करेंगे कि आपके घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं या आपके जो बेटे बेटी के बराबर जो है, बहु बेटी के जैसे लोग हैं, उन लोगों को कैसे प्रभावित किया जा सकता है कि हिंदी का महत्व तो क्या है, ताकि हिंदी का भविष्य पता लग सके आगे। उन बच्चों को प्रभावित, क्योंकि आजकल क्या बॉलीवुड का और ये जो कोरोना की वजह से या जूम की वजह से, जूम के माध्यम से बहुत सारे प्रोग्राम सामने आने लगे हैं, तो जिस और उसी में हम लोगों का इंडिया जूम का जो ऑनलाइन मीडिया है ये इंडिया के गांव-गांव तक पहुंचने लगी है और इंडिया की जो संस्कृति है उससे बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो कोई भी प्रोग्राम जो मीडिया के माध्यम से बच्चों के सामने आ रहे हैं, तो हमारे छोटे बच्चे, मैं देखती हूँ कि हमारे छोटे बच्चे भी वैसे ही डांस करना चाहते हैं, वैसे ही कुछ वीडियो बनाना चाहते हैं, बड़े अट्रैक्ट होते हैं उन पिक्चर्स को देख के उस मीडिया के माध्यम से, पर उनको बोलना या समझना नहीं आता है, तो उसके माध्यम से वो बहुत कुछ पढ़ने की, उसको देखने की कोशिश करते हैं और सीखने की कोशिश भी करते हैं। मेरे नाती पोते हैं, वो जो वो उसको देख के चाहते हैं कि वो भी ऐसा ही वीडियो बनाए, तो उन लोगों ने भी अपने, वो अपने उसके माध्यम से अपना भी प्रयास डालते हैं उसके अंदर, भी मेरे से बात करते हैं, मेरे भी वीडियोस देखते हैं, यूट्यूब पर है उन लोगों के वीडियो, तो वो कोशिश करते हैं कि वैसे ही बनाए, क्योंकि जी सॉरी। तो ये तो बात एक हुई कि ठीक है कि वो वीडियोस बनाए जाए, तो अब बात ये है कि ये माँ बापों को सिखाना चाहिए या बच्चों को सिखाना चाहिए कि वीडियो देखो, कि माँ बापों को वीडियो दिखाना चाहिए या बच्चों को कहना चाहिए कि बच्चों वीडियो देखो, प्रश्न वहां पे आता है। नहीं, क्योंकि माँ बाप की बात ज्यादा जल्दी से बच्चे सुनते नहीं है, बहुत ज्यादा घर में अगर आप दूसरे कोई बोले तो बच्चे जल्दी सुनते, लेकिन अगर आप टीवी या कोई मीडिया वगैरह आप उनको दिखाते हैं तो वो जल्दी उस बात को पकड़ते हैं, तो उनके लिए आप थोड़ा शिक्षात्मक, थोड़े शिक्षाप्रद वीडियोस ऐसे दिखाए जाएं तो उससे ज्ञान भी बढ़ता है और फिर वो कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद वो हमारे पास आते हैं कि ठीक है इसको सीखना है, ये कैसे है। चलिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और लीजिए, अब हम जाते हैं अनीश कुमार जी ठाकुर के पास। वो आज के युवा जो हिंदी पढ़ने जा रहे हैं, मुझे ये पता लगा, बड़ी खुशी की बात है, तो क्यों ना हम उनसे ही बात, सीधा सवाल करते हैं कि भाई अनीश, आप ये बताइए कि आप आखिर को हिंदी पढ़ना चाहते क्यों, जब सब माँ बाप कहते हैं कि अंग्रेजी से काम चल जाएगा, नौकरी करने जाओगे तो अंग्रेजी में करोगे, माँ बापों से भी अंग्रेजी में बात कर सकते हो, हम लोगों से भी, तो आपको क्या ऐसा धुन सूझी है कि जो आप हिंदी पढ़ने जा रहे हैं, बताएं आप अपना एक्सपीरियंस। Well, सबसे पहले सभी लोगों को नमस्कार, और आपका प्रश्न को आंसर देने में, लोगों तो हमेशा हम लोग तो जो जिनके माँ बाप भारत से आए और अपने बच्चों में बोलना बोलने के लिए ऐसे पुश कर चुके हैं कि हिंदी बोलो हिंदी बोलो, वो लोग तो माता पिता हम लोग को, मेरे छोटे भाई को भी बोलते हैं कि जब भी बात कर रहे हो दूसरे लोग से जो हिंदी बोलते हैं हिंदी में बोलो, और मुझे लगता है कि उस कारण के लिए कि नाना नानी के पास जाएंगे तो कैसे बोलेंगे, है ना? हाँ, ऐसे ही। अच्छा, और हिंदी तो मेरी एक व्यक्तिगत और सांस्कृतिक पहचान है, ये तो मुझे मेरे स्वजनों से जोड़ती है, और ये तो मुझे मेरी स्वर्णिम इतिहास की दिलाती है। ये तो तीन कारण हो गया हिंदी बोलने का, और मैंने ऐसे महसूस किया है कि हिंदी भाषा से भारत भ्रमण की में बहुत मदद मिलती है, और किसी भी दूसरे देश के साथ जाएंगे या घूमने जाएंगे फिर वहाँ की भाषा की ज्ञान होने की जरूरत होती है, अगर ये कारण है तो ये हमारे भारत के लिए क्यों नहीं हो सकता है। और जो हम और VCE, ये तो अभी बच्चों मेरे और जो शिक्षा हैं वो जो मेरे उम्र के हैं, इनको ये तो पता होगा कि भाषा जब आप VCE में लेंगे ये आपका ATAR बढ़ता है। सो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हिंदी
शब्दों में नहीं आ पा रहा। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, मैं आपसे ऐसे पूछता हूँ कि आपने जो बात कही कि भारत भ्रमण करने में आसानी होती है, हो सकती है आगे बढ़े, तो बात यह है कि ये बात जो है हम आप अपने साथियों तक कैसे पहुंचाएंगे? बात तो ये हो रही कि हिंदी का भविष्य ऑस्ट्रेलिया में क्या है, तो क्या आप ये मानते हैं कि इस दृष्टिकोण को लेकर, इस बात को लेकर कि हमें अपने भारत अपने देश जाना चाहिए, हम अपने अपनी संस्कृति से जुड़ना चाहिए और उसके लिए हिंदी आना जरूरी है, तो ये बात कैसे बच्चों को समझाई कैसे जाए आपको ये बताए, और ये आपको खुद को कैसे समझ में आई? आपको तो कोई भी अटार की बात आपने कही कि अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो ये बात आप दूसरे लोगों को कैसे समझाएंगे ताकि ये निश्चित हो सके कि ऑस्ट्रेलिया में हिंदी मरने नहीं जा रही है, लोग ज्यादा से ज्यादा लोग सीखेंगे? बोले आप well, हिंदी और दूसरों भाषा के साथ भी, हिंदी खाली अटार बढ़ाने की लाभ नहीं है, उसमें बहुत सारे लाभ हैं। जैसे आप नौकरी के लिए ढूंढेंगे, फिर एम्प्लॉयर्स ढूंढते हैं कि लोग भाषा कैसे बोलते हैं, कैसे आपका एम्प्लॉयबिलिटी इंक्रीज होता है, और उसके और स्कूल के बाद में लाइक तो अपने आप, फिर मुझे ये बताइए कि लोग जो है बच्चों को ये समझ कैसे आएगी? अभी स्कूलों में संख्या नहीं है बच्चों की, हिंदी पढ़ने वालों की, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वालों की, तो ये कैसे बढ़ेगी संख्या? लोगों को कैसे समझाया जाएगा ताकि हिंदी का भविष्य उज्जवल हो? लोगों को लाइक बच्चों को समझा सकते हैं कि अगर ये आप हिंदी सीखेंगे कि ये इतने सारे लाभ हैं, जैसे हम पहले बोले थे कि एटार आपके एम्प्लॉयबिलिटी, फिर आपके और आपका जो रूट्स हैं, जैसे आप आपकी आपकी पूरी आइडेंटिटी है, जैसे आप पले बढ़ रहे हैं, हिंदी तो एक भाषा है, हम लोग दूसरे लोग से बात करते हैं, और अगर आप दूसरे लोग से बात करेंगे फिर आपको ज्यादा पहचान होती है दूसरे लोग के बारे में और अपने भाषा के बारे में भी। तो कहने का मतलब ये है कि ये किसी की जिम्मेदारी होनी चाहिए, जो आज की ऑस्ट्रेलिया में रह रही आपकी पीढ़ी के लोग हैं उनको ये बात समझाए, है ना? जी, तो आपको ये विश्वास है कि लोग सीखेंगे? सही, आपको ये विश्वास है कि लोग सीखेंगे, बात हमारी मानेंगे अगर कुछ लोग कहेंगे? जी बिल्कुल। चलिए ठीक है, तो बात आपकी हो गई दुरुस्त। अब मैं आता हूँ केट के पास कि केट मुझे आप ये बताइए कि भारत का जो व्यापार है, बिजनेस है, ट्रेड है, वो बढ़ रही है ऑस्ट्रेलिया के साथ में, यात्री लोग भी जो है पर्यटन के लिए भी बहुत लोग जा रहे हैं, टूरिज्म के लिए, तो आप क्या समझते हैं कि इस दृष्टिकोण को रखते हुए क्या जो हिंदी भाषी लोग नहीं है वो हिंदी आगे चलकर सीखेंगे, हिंदी का भविष्य उज्जवल बना सकते हैं? साफ साफ बताना पड़ेगा कि हम जैसी गोरी लोगों के लिए हिंदी सीखने ज्यादा आसान बात नहीं है, लेकिन फिर भी जोर देना चाहूंगी कि किसी भी दूसरी भाषा सीखने सभ्यता खजाने की चाबी है ना, एक पुल है ना, दूसरी लोगों को, दूसरी संस्कृतियों को, और हिंदी जो है वो एक बहुत खास चीज है, क्योंकि हिंदी खुद बहु संस्कृतिवाद भाषा है ना, जबान है, जिसमें कई अलग अलग देशों का आसार है ना हिंदी में, और यदि हम हिंदी सीखें कुछ ना कुछ, तो हम फिर कई लोगों की दुनिया के बारे में कुछ कुछ सीखेंगे, है ना, जैसे अरबी लोग, पाकिस्तानी लोग, ईरानी वगैरह वगैरह, और इस सब के जरिए हमारा काम आता है ना, क्योंकि व्यापार जो है इसका एक जज्बाती भावनाएं पर आधारित है ना, कि यदि हम महसूस करते हैं कि जी मैं आप के साथ थोड़ा अच्छा संबंध बना सकूं, तो इसका बहुत लाभ हो रहा है ना, और उसके बिना थोड़ा सा ठंडगी फैल जाता है ना। तो, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन आप क्या सोचती हैं इसमें कि इसका मतलब आपका कहना है कि भारत में ऑस्ट्रेलिया में हिंदी का भविष्य
बन सकता है या वो हिंदी का जो है ज्यादा प्रयोग किया जा सकता है, पर आप इसके लिए क्या कुछ शॉर्ट में बताएंगे, कुछ सूक्ष्म में मैं कोशिश क्या करना चाहिए? जी जी, मैं कोशिश करती हूँ, लंबी बात थोड़ा लंबी बन जाती है क्योंकि कोई बात नहीं, इसे मैं आपको व्यक्त कर रही हूँ। लेकिन अनीश जी की बात सुनते सुनते मुझे लगता है कि आजकल आप सबको ये सुझाव देती हूँ कि हमारी बातचीत इटाली लोगों से होने चाहिए, क्योंकि मैं इस देश की हूँ, है ना। जब मैं छोटी थी बहुत सारे लोग इटाली देश से यहाँ आके बस गए, है ना, और धीरे धीरे उनकी उनकी रजोई, उनके खाना, उसके वेश वगैरह इस देश में फैल गए, और जिससे हमारी रुचि बन गई, है ना, हर इटाली चीज के लिए। और ऐसे है कि तो फिर धीरे धीरे इटाली भाषा हमारे ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश में मिलकर आ रहा है ना। और उसका नतीजा क्या हुआ कि हमारे बच्चों को इटाली भाषा सीखने का प्रेरणा है, शौक है ना। और हम इस कहानी को देख के हम इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं कि इटाली भाषा कैसे थोड़ा कूल बन गए है ना। जैसे कि एक उदाहरण देती हूँ कि जब मैं मेरी बच्चे छोटे छोटे थे है ना चाइल्ड केयर में, तो वे चाइल्ड केयर स्टाफ मेरे बच्चों को थोड़ा सा गाना वगैरह सिखा दिया है ना छोटी उम्र से, तो थोड़ा अपना बन गए है ना इटाली भाषा। और वही सोच होने चाहिए हम लोगों के बीच में, है ना। जैसे कि भारत में हम देखते हैं ये विज्ञापन वगैरह जिसमें इंग्लिश होते हैं, तो यहाँ भी थोड़ा ऑजी इंग्लिश होने चाहिए। धीरे 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 ये असर फैल जाए कि जैसे हम लोग आजकल थोड़ा मिर्ची खाना पसंद करते हैं, वही बात वही स्ट्रेटजी होना चाहिए मेरे। बहुत अच्छा आपने कहा, और इससे ये साबित होता है कि हाँ, भारत का और हिंदी का जो भविष्य है वो अंधकार में नहीं है, सिर्फ हम लोगों को प्रयास करने की आवश्यकता है। और समय के अभाव को देखते हुए मैं सबसे वरिष्ठ हिंदी के साहित्यकार अपने हरिहर झा जी से ये आग्रह करूंगा कि 2-3 सेंटेंस में ये बताएं कि इससे पूरा कंक्लूजन ये निकलता है, निष्कर्ष ये निकलता है कि हम लोग जो संस्थाओं से जुड़े लोग हैं, हिंदी की संस्थाओं से, उनका ये कर्तव्य बनता है कि लोगों को शिक्षित करें, उनको एजुकेट करें। और आप क्या कहना चाहेंगे कुछ शब्दों में, क्योंकि समय की समाप्ति हो रही है। जी सुभाष जी, आपने ये बिल्कुल अच्छी बात कही कि हमें किस तरह से, अब यहाँ पर सेंसस लिया जाता था, लोग अपने घर में हिंदी बोलते हैं लेकिन सेंसस में वो हिंदी लिखवाते नहीं थे। अब जब सरकार को पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर हिंदी भाषी लोग बसते हैं, तो सरकार भी हमें किस तरह से हेल्प कर पाएगी। तो ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि हमें संस्थाओं को इस बात का प्रचार करना चाहिए कि हमें हिंदी भाषा का महत्व सबको बताना चाहिए, और हिंदी का अपना रिकॉग्निशन सेंसस में या कहीं भी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वगैरह जो भी है कि हमें इंस्टीट्यूशन में हमें ये मदद चाहिए, तो हमारी जो मांग है वो बतानी चाहिए और हमारी जो जरूरत है उसकी आवश्यकता को भी हमें दूसरों को समझाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हरिहर जी, और इससे सिर्फ ये साबित हुआ कि जो हिंदी से जुड़ी संस्थाएं हैं उनको अपना कर्तव्य निभाना चाहिए और लोगों को एजुकेट करना चाहिए, और कुछ सरकारी स्तर पर ऐसे कार्य किए जाने चाहिए जिनसे लोगों को हिंदी का महत्व पता लगे और ये पता लगे कि कितने लोग हिंदी बोलते हैं। सेंसस खास तौर से जनगणना में ये बात निश्चित होनी चाहिए कि जो लोग अभी दो ही भाषाओं का प्रयोग होता, अंग्रेजी या हिंदी या पंजाबी लिख सकते हैं, इसमें होना चाहिए कि कोई भी हिंदी भाषी 2 से अधिक भाषाएं बोलता है, इसलिए हिंदी लिखने का एक अपॉर्चुनिटी या एक कोई ऐसा जरिया होना चाहिए जो लोग बता सकें और सीख सकें। मैं इसी के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना अपना योगदान दिया, और इसी के साथ मैं ये क्लोज करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।